अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक यू मिल के किचन में आपको खुश आमदेद करती हूँ एक दफ़ा फिर। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो एक डिज़र्ट की रेसिपी है, और मैंने पम्पकिन के हवाले से काफ़ी मालूमात अपनी एक रेसिपी में दी थी आप लोगों को, कि जो पम्पकिन होता है येलो वाला कद्दू जो कहलाता है, जो मीठा घिया होता है, जो इस तरीके का होता है। देखिए अभी मैंने इसमें से ही निकाल के आपके लिए डिज़र्ट बना रही हूँ। काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में ये मिलता है, काफ़ी केजी के साथ, 4-5 केजी। तो ये मैं छोटे साइज़ का देख के लेकर आई हूँ ताकि मैं काफ़ी सारी वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूँ। अच्छा, पम्पकिन की जो ये मैं डेज़र्ट आप बना रही हूँ, इसको खीर कह लीजिए, पम्पकिन डेज़र्ट कह लीजिए। तो पम्पकिन के जो बहुत सारे फ़ायदे हैं, उनमें से बेस्ट जो है वो हमारा ये एंटी एजिंग का काम करता है। मैं इतनी सारी रेसिपीज़ आपको इसीलिए दे रही हूँ कि जो जिस तरह से भी इसका इस्तेमाल कर सके वो करें। इसका मैं जूस भी दे चुकी हूँ बना के, कि आप लोग इसका जूस किस तरह से डेली इनटेक कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इसके अंदर, ये जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो स्ट्रेस फ्री करता है आपको। विटामिन ए और विटामिन सी का ख़जाना है इसके अंदर। हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। गर्मियों में ये डिज़र्ट आप बनाइए और इससे आप फ़ायदा हासिल कीजिए। मज़ीद तफ़सीलात जो भी है वो गूगल पे माशाल्लाह बहुत कुछ मौजूद होता है, तो मैं अपनी जो रेसिपीज़ होती हैं या वीडियोस होती हैं उसमें जो है वो आपको दे रही होती हूँ, ताकि आप लोग जो है वो अच्छे से इसकी फ़ायदा उठा सकें उन चीज़ों के साथ। अच्छा, देखिए इस डिज़र्ट के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ये मैंने 500 ml दूध लिया है, ठीक है। कोई सा भी आप ले लीजिए, डब्बा पैक ले लीजिए, या फिर कोई जो डेरी मिल्क आता है वो ले लीजिए, जो आपका दिल करे वो ले लीजिए, ठीक है। ये हाफ़ केजी समझ लीजिए, 500 ml है, और हाफ़ कप मैंने ये लिए शक्कर। तो मैं बार बार बताती हूँ कि मेरे मीठे में ज़्यादातर आपको चीनी के बजाय मैं शक्कर यूज़ करती हूँ, आप चाहें तो चीनी भी इस्तेमाल कर लीजिए। अच्छा, 1 कप मैंने ये जो पम्पकिन है उसको कद्दूकश कर लिया। ये पम्पकिन के सीड्स हैं, 1 tablespoon। ये ज़ाफ़रान है, और ये जो चीज़ देख रहे हैं ना आप, ये है साबूदाना। साबूदाना जो होता है उसको मैंने पाउडर बना के इस तरह से रखती हूँ, और बहुत सारी रेसिपीज़ जो मेरे चैनल से रिलेट हैं और जानते हैं उनको पता है कि मेरी बहुत सारी जो सेवरी डिशेज़ होती हैं या स्वीट डिशेज़ होती हैं, उनमें ये साबूदाना इस तरह से पाउडर फॉर्म में जा रहा होता है। इसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है इस डिज़र्ट को, मैं आपसे शेयर करती हूँ, स्टेप बाई स्टेप आप देखिएगा इसको। अच्छा, देखिए इस तरह से मैंने एक पैन ले लिया, कोई भी सॉस पैन आप ले लीजिए, और ये जो पम्पकिन सीड है इनको मैं इसी में ड्राई रोस्ट करूँगी। जो मैं पम्पकिन या कद्दू जो मीठा घिया बना रही हूँ, ये उसी के बेसिकली जो हैं वो सीड्स होते हैं, अंसारी स्टोर से या ड्राई फ्रूट स्टोर से आपको मिल जाते हैं, ठीक है। ये मैं अच्छे से ड्राई रोस्ट करूँगी, इसका थोड़ा सा अरोमा आने लगेगा, तो फिर मैं मज़ीद आपको इसमें फर्दर प्रोसीजर बता दूँ कि क्या करना है। अच्छा, देखिए ये ड्राई रोस्ट हो चुके हैं मेरे, अब इसमें मैं इस पर डालूँगी दूध, ठीक है। दूध इसमें शामिल करने के बाद ये जो पम्पकिन मैंने कद्दूकश करके रखा है, मीठा घिया, ये इस वक्त मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। इसका येलो कलर जो है ना, सिर्फ ये अल्लाह ने इसको कलर ही नहीं दिया, इसके अंदर इसके बहुत सारे, ये फुल ऑफ पोटेशियम है, फुल ऑफ फाइबर है, ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत अच्छा है इसको यूज़ करना, क्योंकि पोटेशियम है, जिन चीज़ों में पोटेशियम ज़्यादा होता है वो हाई BP वालों के लिए बेस्ट होता है। बस इसको मैं कुक करूँगी हल्की आंच पे, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, तकरीबन 20 से 25 मिनट तक मैं इसको इसी तरीके से इसमें कुक होने के लिए दूँगी, ठीक है। ये सीड भी इसी में कुक होंगे और ये पम्पकिन भी इसी के अंदर कुक होगा, फिर मैं मज़ीद आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या चीज़ जाएगी। अच्छा व्यूअर्स, देखिए ये अच्छे से इसमें हल्का सा एक उबाल सा आ गया, बस इतना हमें कुक करना है कि देखें ये तैरता हुआ जब ऊपर आने लगे, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें डाल के हमें मज़ीद इसकी कुकिंग करनी है, और बिल्कुल ये लो फ्लेम पे कुक हो रहा है, ठीक है। इस वक्त मैं इसमें डालूँगी ये ज़ाफ़रान, ठीक है, और ये 1 tablespoon साबूदाने का पाउडर, जो सफ़ेद सफ़ेद साबूदाना होता है ना, उसका ये पाउडर है। अच्छा, इसको मुस्तकिल थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम कुकिंग इसकी कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे, क्योंकि साबूदाना जब जाता है ना, जब तक वो कुक नहीं होता उसमें लगने का ख़तरा होता है नीचे, और अगर आपका जो पैन है वो अच्छा है तो फिर वो नहीं लगता, लेकिन उसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम चलाएंगे। ज़ाफ़रान की जो क्वालिटीज़ है वो भी इसके अंदर आ जाएंगी, और जो उसका कलर है एक अच्छा सा येलोइश, वो भी इसके अंदर इन्हेंस हो जाएगा, और अब इसी में
शक्कर भी मैं इसके साथ डाल दूंगी। और अब इसको हल्की आंच पे कुकिंग के लिए छोड़ दूंगी और हल्का हल्का कभी कभी इसको चलाते रहिएगा। कहाँ तक कुकिंग करनी है, कितनी करनी है, सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। जी व्यूवर्स, देखिए ये डिज़र्ट जो है वो तैयार है और इस तरीके से इसको प्रेजेंट कीजिए। ये इसी के मैंने कटिंग करी है और ऊपर से आप इसकी प्रेजेंटेशन को इस तरह से करके और ये पम्पकिन सीड डालिए, साइड में कोकोनट डालिए। इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त होगा कि मैं समझती हूँ कि आप और बाकी जितनी भी खीर आपने आज तक बनाई होगी वो सब आप भूल जाएंगे और इस खीर को इंजॉय कीजिएगा। जो पम्पकिन सीड मैंने अंदर डाले हैं उसका अलग फ्लेवर आएगा और जो ऊपर से ये क्रंची क्रिस्पी से आएंगे इसका अलग फ्लेवर आएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी और आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। नहीं किया तो जल्दी से करें और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ और हेल्दी रेसिपीज़ की तरफ आइए और हेल्दी रेसिपीज़ सीखिए। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये कैसी लगी, आप लोगों ने बनाई, ट्राई करी। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कराया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया वो जल्दी से करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ उन तक पहुँचती रहे। अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख्याल रखें, खुश रहने दें और खुश रखने की भी कोशिश कीजिए। अच्छी अच्छी चीज़ें बनाइए, खिलाइए। रमज़ान के महीने में, रमज़ान में ये रेसिपीज़ बन रही हैं, रमज़ान के महीने में ये चीज़ें बनाएं, ट्राई कीजिए और देखिए कि इससे आपकी सेहत पे क्या असर पड़ता है। हमेशा की तरह से यही कहूँगी कि ईट हेल्दी फील हेल्दी।